दो बार जुगल कमा जुगल किशोर एमपी साढ़े जितया दस रुपए का कम साढ़े चुकी रहनी हो लगता है कि अगला जो इलेक्शन है 2024 में मैं तो नोटा को वोट दूंगा भाई नोटा को हाँ चाहे कुछ आप, कोई भी खड़ा हो जाए आप सबसे कट्टर वर्कर थे बिल्कुल बिल्कुल मैं बोलता हूँ देखो 14 से पहले ना भारतीय जनता पार्टी का झंडा एक मेरी दुकान पे होता था मैं इतना दावे से बोलता हूँ और किसी के पास झंडा नहीं होता था मैं झंडा लगा चौकी चौरा में हाँ चौकी चौरा में लेकिन आज के बाद मैं झंडा नहीं लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा अपने परिवार की समझाए ना भाई फुल लाइन मोर नहीं लानी दूआ लाइट छोटा मोटा जो लीडर भी है ना सिर्फ अपने घर आला पास दे दूए दे आधे नुआ का गमांड भरने वास्ते पुत्र मरी जाए कोई ये मेरा आम का पेड़ है ये सभी को पता है जुगल शर्मा को भी पता है जुगल किशोर शर्मा अरविंद हरियाणा को भी पता है जितने भी हमारे ये अपने जम्मू कश्मीर के लीडर बीजेपी के हैं सभी को पता है सूर्य प्रकाश एक ही आदमी था जो आम के पेड़ के ऊपर झंडा लगाता था बीजेपी का मतलब उस दौर में जब बीजेपी का कहीं पे यहाँ खाता नामो निशान नहीं था। जी आप कब से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं 1996 जब रामस्वरूप जी खड़े हुए थे सेंटर में देवगौड़ा की सरकार थी डोगरी भाषा है थम थम देने चाहिए फोन करके हमारे साहब वैसे मुसीबत आई है सारा कोई हमारे बचाव करो उसी का ना फोन मारे फोन नहीं चुकता ही नहीं कोई। स्टेट लाइन में आप सबका स्वागत है। हम चौकी चौरा में हैं और चौकी चौरा में लोगों के अंदर जो गुस्सा है खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए वो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो है आने वाले चुनाव जो है 2024 में बीजेपी को बहुत नुकसान होने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े हैं आपका नाम सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश जी आप कब से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं 1996 जब रामस्वरूप जी खड़े हुए थे सेंटर में देवगौड़ा की सरकार थी तो गोविंद राम जी और पंडित रामस्वरूप और गोविंद राम जी आमने सामने थे तो तब आप उनकी तब सरकार कभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी और आपने तब भी जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। ये मेरा आम का पेड़ है हाँ। ये सभी को पता है जुगल शर्मा को भी पता है जुगल किशोर शर्मा हाँ। अरविंद हरियाणा को भी पता है जितने भी हमारे ये अपने जम्मू कश्मीर के लीडर बीजेपी के हैं सभी को पता है सूर्य प्रकाश एक ही आदमी था जो आम के पेड़ के ऊपर झंडा लगाता था बीजेपी का मतलब उस दौर में जब बीजेपी का कहीं पे यहाँ नामो निशान नहीं था लेकिन जो एक इंसान को फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिला हाँ तो उसके बाद उन्होंने ये 1996 से लेकर आज तक हमें कोई चुबन्नी का फायदा नहीं मिला नहीं मिला है। कहा तो जाता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार यही कहती है कि हमने जो है पंचायत को बदल दिया है पंचायत बीडीसी आ गए कोई कुछ नहीं है बीडीसी जो है ना बीडीसी को पता है कुछ नहीं वो बच्चा है जो डीडीसी है वो जो काम करवाता है सभी ले जाता है मेरे मंदिरों में अच्छा। वो अपने गाँव में लेता है हर आदमी देखो अगर कोई भी आदमी है वो अपने आप को फायदा देता है दूसरे को कोई नहीं देने की कोशिश करता है हमारी बात पूछने वाला इधर कोई नहीं है अच्छा। जैसे ही बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी उसके बाद सरकार गिर गई गिरने के बाद हमारी सुध बुध लेने के लिए कोई नहीं है। रविंद्र राणा जी तो यही रहते हैं नीचे आप और रविंद्र राणा जी भी जो भी काम करवाते हैं वो अपने भी करवाते हैं किसी का थोड़ी करवाते हैं रुकते नहीं है इलेक्शन अच्छा। से पहले जो जब बीजेपी की इलेक्शन नहीं थी तब सभी हमारे पास रुकते थे 2014 के बाद भी रुकते थे जब सरकार थी जब से सरकार टूटी हमारे पास रुकता ही कोई नहीं अगर जुगल शर्मा जी वो हमारे एमपी है ऊपर जाते हम हाथ जोड़कर रोड पे खड़े हो जाते पता लग जाता आगे से गाड़ी आ रही हम हाथ जोड़कर बोलते हैं एक मिनट रुको वो ऐसे हमें गोल उछारा देते हैं वापस आने पर मिलेंगे अच्छा तो वापस आने मिलते नहीं है पता नहीं चलता कब आते हैं कब चले जाते हैं। अगला जो इलेक्शन है 2024 में मैं तो नोटा को वोट दूंगा भाई नोटा को हाँ चाहे कुछ कोई भी खड़ा हो जाए आप सबसे कट्टर वर्कर थे बिल्कुल मैं बोलता हूँ देखो 14 से पहले ना भारतीय जनता पार्टी का झंडा एक मेरी दुकान पे होता था मैं इतना दावे से बोलता हूँ और किसी के पास झंडा नहीं होता था मैं झंडा लगाता चौकी चौरा में हाँ चौकी चौरा में लेकिन आज के बाद मैं झंडा नहीं लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा तो क्या मैं नोटा को वोट दूंगा क्या बदलाव आप चाहते हो बदलाव क्या चाहते हैं देखो हमारे पास तो कोई वर्कर कैंडिडेट नहीं खड़ा होता अगर हमें कोई मुसीबत आ जाती है तो देखो अगर कोई अगर पुलिस का दबाव है या किसी का राजनीति का किसी दूसरे का दबाव है तो पीछे कोई हमारे डोगरी भाषा है थम हाँ। थम देने चाहिए फोन करके हमारे साहब वैसे मुसीबत आई है सारा कोई हमारे बचाव करो उसी का ना फोन मारे फोन नहीं चुकता ही नहीं कोई इलेक्शन आएंगे चुक देंगे क्या पता ही देखो दो बार जुगल कमा जुगल किशोर एमपी साढ़े जीते दस रुपए का कम साढ़े चुकी रहनी हो देखो अगर 5 साल के बिच नहीं किता अगले 5 साल के बिच साढ़े कोई काम नहीं किता महाराज तो फिर कदू करना वो तो कह रहे हाईवे बना रहे हैं नहीं हाईवे तो चलो सेंटर दी हम देखो मोदी है हाँ। मोदी वास्ते बुराई नहीं करते हाँ। मोदी आदमी अच्छा है और एक साढ़े देसी ये चुल्ही बनाई दी चुल्ही पर रोटी पकाने हाँ। एक लकड़ी चुल्ही लाई अग थोड़ी बलती है महाराज दो लाओ तो अग बलती है
मतलब अगर मोदी सेंटर पे बैठा मोदी क्या करेगा हमारे जेडे बाकी वाले छोड़े ने गल्ले दे ए भी कोई फरोन नाड़ी काम करना कोई कोई नहीं कोई मारे रुकदे ही गल्ल नहीं करता हर कने। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आपकी आवाज सुनने के बाद कोई मत आपकी गुहार सुने? कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनने वाला बैठा, कौन सुनना है? कोई नहीं सुनेगा। हाँ 2024 बिच देखो जी अगर जुगल की टिकट लभी तो कसम पाई दी है वोट आने देना बीजेपी की, वोट देना नोटा जी। अगर कोई जुगल दिया कोई और कोई चेंज होया कोई चेहरा अच्छा होया ठीक है, नहीं तो दिखना MLA का वोट है जरा तो वह भी दिखना जरा कोई आजाद खड़ोते आया जिसी बेचारे कोई नहीं वोट चाहता कोई है उसी वोट देना अपना। अपने परिवार को समझाइना भाई भी फुल्लर मोर नहीं लाई दूगा लाइट। तो यहाँ पे जो बाकी वोटर हैं वो हमारे सारे मारे घोषण बड़े बीजेपी पर सारे घोषण। अच्छा क्योंकि एक मोदी का हमारे साथ बनता कि मोदी बुरा आदमी नहीं है, मोदी अच्छा आदमी है चंगा बंदा है। लेकिन एक बंदा दिल्ली में बैठेगा पूरा हिंदुस्तान भी संभालेगा पूरी भैन जो बाहर कंट्रियां संभाली दी ओदी बाहर जाता ज्यादा जय जयकार है घर उसी बारे गाली पौंदी इतने सारे गाली करते हैं अपोजिशन आए गाली करते हैं उल्टे बीजेपी आए साढ़े ने भी गाली कढ़ा दे। देखो क्यों कढ़ा है गाली क्योंकि बाकी आले दल ने बैठे थे जो लोकल लीडरशिप है वो आप काम नहीं करती छोटा मोटा जो लीडर भी है ना सिर्फ अपने घर वाले पास देते दुगे दे कुछ आधे नुआ का कमांड भरने वास्तव पुत्र मरी जाए कोई अभी आपने हाई कमांड से गुहार की किसी की ओदे कने करनी मारे इतने होंगे कोई नहीं इतने कोई नहीं आता जनाब। अभी पहाड़ियों को जो है कैटेगरी मिलने वाली है ST की तो आपको उसमें कोई लगता है देखो बदलाव तो आया था? नहीं मारे सानू इन्हें म्यूनसिपलिटी ठोकी नहीं। अच्छा क्योंकि वो सिटी का करने इतने क्यों तहसील बनी है थाना बनी है कोल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर बनी है डॉक्टर कोई नहीं चज्जे का। अच्छा हाँ जल्द जाओ हमारे डॉक्टर जो मैडम या डॉक्टर या नर्सा जो अपने फोन टच होंगे चला दी उन्हें पता कख नहीं स्कूलों में बच्चे पाए देने जे पुछे हमारे बच्चे स्कूलें घट नंबर आए नहीं मारे फलाना बस अटैचमेंट कि क्यों अटैचमेंट कि अगर थोड़ा अपना घर पूरे मेंबर नहीं है तो बाहर कहली भेजा दौ सही बात है मारे तुम किठे JD को जाओ SDM को जाओ SDM को JD को जाके क्या कर गए अगर असें बच्चा स्कूल पाया तुम टीचर हो हेडमास्टर हो तुम तो अगर थोड़े स्कूल टीचर घट न और रिस्पांसिबिलिटी थोड़ी है जाना सारे बच्चे माँ प्यो की है उन्हें करने चाहिए पूरे जे पुछे असें मारे मास्टर घट न ये घट है वो घट है ड्रामे पर ड्रामे पहले बच्चे सरकार जितने भी तंत्र कहीं ना कहीं वो सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। तो पंचायत में जो पैसा आता है क्या वो लगता है ग्राउंड पे पैसा ज्यादा तौर हम यही समझे पैसा वापस जाता होगा लेकिन लगता नहीं लगता कहीं नहीं है लगता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वर्कर्स हैं जो सबसे हार्ड वर्कर्स हैं और ये एक ऐसा इलाका है जहां भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स रहे आपको शायद मालूम होगा कि यहां से 20 से 30 किलोमीटर की रेंज में जो है रविंदर रैना जी जो बीजेपी के अभी जो है प्रेसिडेंट हैं वो उनका घर भी यहीं है। और अगर आप देखेंगे जुगल किशोर शर्मा जो जीतते हैं जम्मू प्रांत से MP के लिए उसमें सबसे ज्यादा वोट जो है इस इलाके से मिलता है। अब तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ का एक एक बच्चा जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है लेकिन जो पहले वर्कर से 1996 से जो वर्कर रहे हैं आज वो ही जो है अपनी भारतीय जनता पार्टी से प्रसन्न नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं जो है ग्राउंड लेवल पे वोटर जो है नाराज है।